महाराष्ट्र के नंदुरबार में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्धव सेना और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। संजय राउत ने गुरुवार को पीएम पर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी क्या चीज है, हमने तो औरंगजेब की भी कब्र खोद दी थी। इसी पर बिना किसी का नाम लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्धव सेना और कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। पीएम मोदी ने कहा, नक्सली शिवसेना मुझे जिंदा गाड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, वहीं दूसरी तरफ नक्सली शिवसेना है जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे गाली देते हुए ये लोग तुष्टिकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। मोदी की कब्र खुदेगी और मोदी को जिंदा गाड़ दिया जाएगा। अपने वोट बैंक को पसंद आए इसलिए मुझे गाली दोगे क्या? मुझे यह सोचकर कष्ट होता है कि आप बाल साहेब ठाकरे को कितना दुख होता होगा। अब तो ये नकली शिवसेना वाले बम धमाके के दोषी के साथ घूम रहे हैं। बिहार में ये लोग घोटाले के दोषी के साथ चल रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र बम धमाके के दोषी को भी लेकर घूम रहे हैं। लेकिन यह मातृशक्ति मेरा कवच है। मुझे मातृशक्ति का इतना आशीर्वाद है कि लोग चाहकर भी मोदी को जीते जी साथ ही मरने के बाद भी जमीन पर नहीं गाड़ पाएंगे। इनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है और मेरे ऊपर भड़क रहे हैं। लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि 140 करोड़ लोग मेरे साथ हैं। यही लोग मेरे रक्षा कवच हैं। पीएम मोदी ने कहा, महाराष्ट्र के एक दिग्गज नेता बारामती में चुनाव के बाद इतने चिंतित हैं कि उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने यह बयान काफी लोगों से विचार विमर्श के बाद दिया होगा। वह इतने हताश हो गए कि 4 जून के बाद राजनीतिक जीवन में टिके रहना तो छोटे छोटे राजनीतिक दलों को कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए। खबरी चौखट की रिपोर्ट।